हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अक्षय कुमार की अपकमिंग कौन कौन सी मूवीज़ हैं और वो मूवीज़ कब कब रिलीज होगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और याद रहे हमारे चैनल मेहताब टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार साल में 4 से 5 फिल्में करने के लिए ही जाने जाते हैं। अक्षय कुमार बाकी एक्टर के मुकाबले एक साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं। बाकी एक्टरों की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी बड़ा सितारा ले लो या छोटा सितारा ले लो, वो 2 से 4 फिल्में करके रह जाता है। और बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं जैसे खान्स हो गए, वो सिर्फ साल में 1 मूवी लेकर आते हैं या 2 साल में 1 मूवी लेकर आते हैं। अगर हम वही अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार साल में 4 से 5 फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी हर साल तकरीबन 3 से 4 या 4 से 5 फिल्में जरूर रिलीज होती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी सारी मूवीज हिट साबित होती हैं। बॉक्स ऑफिस पर वो अच्छी खासी कमाई करके जाती है। और इसी हिसाब से अगर जो देखा जाए तो इस समय अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस के किंग बन चुके हैं, क्योंकि पिछले साल उनकी रिलीज हुई केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था बॉक्स ऑफिस पर। ओवरऑल मिलाकर अक्षय कुमार पहले इकलौते ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी 15 महीने के अंदर रिलीज हुई 4 फिल्मों ने 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। और वहीं 5 महीने के अंदर रिलीज हुई उनकी 3 मूवी मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज ने 200 करोड़ के आंकड़ों को पार करा। ये तीनों मूवी 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में सफल रही। और अगर हम वही इस साल की भी बात करें तो अक्षय कुमार की इस साल भी 4 से 5 फिल्में रिलीज हो सकती हैं। अगर हम पहली मूवी की बात करें तो उनकी पहली मूवी है सूर्यवंशी, जो 24 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। आपको बता दूं यह मूवी सिंघम यूनिवर्स से बिलोंग करती है और इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं। और मूवी के अंदर हमें अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी दिखाई देगी और साथ ही अजय देवगन और रणवीर सिंह का स्पेशल अपीयरेंस भी दिखाई देगा, जो कि सिम्भा और सिंघम की भूमिका में हमें दिखाई देगी। तो देखना दिलचस्प होगा एक साथ तीनों को एक ही स्क्रीन पर। आपको बता दूं मूवी का ट्रेलर 2 मार्च को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं ट्रेलर का, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि मूवी के अंदर क्या है और क्या दिखाया जाएगा। और दोस्तों अगली मूवी है लक्ष्मी बॉम। जी हाँ दोस्तों, 22 मई को 2020 में रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की अगली मूवी लक्ष्मी बॉम है, जिसमें उनके साथ कियारा आडवाणी दिखाई देगी। आपको बता दूं यह मूवी साउथ की सुपरहिट मूवी कंचना का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जिसको राघव लॉरेंस डायरेक्ट कर रहे हैं। राघव लॉरेंस ने इसके तमिल वर्जन को भी डायरेक्ट किया था और वो इसमें लीड कैरेक्टर में भी दिखाई दिए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय कुमार इस मूवी में कैसा रोल प्ले करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी 22 मई को ईद के मौके पर रिलीज होगी, जिस दिन सलमान खान की राधे मूवी रिलीज होगी। और आशाएं जताई जा रही है कि राधे और लक्ष्मी बॉम के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं अक्षय कुमार की तीसरी मूवी के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वीराज। जी हाँ दोस्तों, यशराज बैनर तले बन रही यह मूवी पृथ्वीराज दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। इसमें अक्षय कुमार वीर योद्धा पृथ्वीराज का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म की रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है, जो कि दिवाली 2020 रखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों इसके अंदर अक्षय कुमार अपना कैसा जलवा दिखाते हैं। तो दोस्तों दिवाली तो अभी बहुत दूर है, तब तक हम वेट ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। अक्षय कुमार की अगली मूवी है बच्चन पांडे, जिसमें उनके साथ कृति सनन दिखाई देगी। आपको बता दूं दोस्तों बच्चन पांडे वीरम मूवी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। वीरम मूवी के अंदर हमें अजीत थाला दिखाई दिए थे। वीरम मूवी तमिल इंडस्ट्री की सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी और अब इस मूवी का भी हिंदी में रीमेक बनाया जा रहा है, जिसका नाम बच्चन पांडे रखा गया है। और दोस्तों इस मूवी को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले यह मूवी इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जा रही थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की वजह से अब यह मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, जो कि अगले साल 2021 में रिलीज की जाएगी। और अब हम अगर अगली मूवी की बात करें तो अगली मूवी का नाम है अतरंगी रेत। जी हाँ दोस्त, आनंद एल राय के डायरेक्शन में बन रही यह मूवी, जिसमें हमें अक्षय कुमार के साथ साथ धनुष और सारा अली खान भी दिखाई देंगे। यह मूवी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये मूवी कब तक रिलीज होती है। और अब हम अगर अक्षय कुमार की आखिरी मूवी की बात करें तो उस मूवी का नाम है बेल बॉटम। जी हाँ दोस्तों, रंजीत तिवारी के डायरेक्शन में बन रही यह मूवी 70s के दौर पर बेस्ड होगी। इस मूवी के पोस्टर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का दौर किस समय का होगा। आपको बता दूं दोस्तों पहले यह मूवी 22 जनवरी 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अक्षय कुमार की बच्चन पांडे की रिलीज डेट की वजह से अभी यह मूवी 2 अप्रैल 2021 में रिलीज होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मूवी के अंदर किस तरीके की स्टोरी होगी और अक्षय कुमार का क्या रोल होगा।
तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बस यहीं तक था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।